बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद जहां शायकीन क्रिकेट उदास हैं, वहीं साबिक क्रिकेटर भी शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं। ऐसे में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए मैनेजमेंट को आड़े हाथों ले लिया। दोस्तों, एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम का कहना था कि शर्मिंदगी की बात है कि अफगानिस्तान 2 विकेटों के नुकसान से 280 जैसा बड़ा स्कोर बना गया। वसीम अकरम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल देखें, हम कई हफ्तों से टीवी स्क्रीन पर चीखे मार रहे हैं कि 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इन्होंने किसी भी क्रिकेट का नाम लिए बगैर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं अब क्या खिलाड़ियों का इंफरादी तौर पर नाम लूं जिनकी इतने बड़े बड़े मुंह हो गए हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे रोजाना 8-8 किलो कड़ाई खाते हो, निहारी खाते हो। इन खिलाड़ियों का टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। साबिक कप्तान का कहना था कि प्रोफेशनली इन लड़कों को मुआवजा दिया जाता है, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, इनके लिए कोई मियारी असूल तो होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी वसीम अकरम की बात से मुतफिक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।